कंगना रनौत की मेजबानी में एमएक्स प्लेयर पर प्रसारित वेब रियलिटी शो लॉकअप अपने समापन के करीब पहुंच रहा है और प्रशंसक यह जानने के लिए उत्साहित है कि विजेता की ट्रॉफी कौन जीतेगा। 27 फरवरी 2022 को लॉकअप के शुभारंभ के बाद से विवादास्पद कैदी ज्वेलर करण कुंद्रा की देखरेख में अत्याचारी खेल का प्रदर्शन करते देखे गए थे। साथ ही हर एपिसोड में मिडनाइट एलिमिनेशन और नए ट्विस्ट ने दर्शकों को स्क्रीन पर बांधे रखा है। फैसले के दिन वाले एपिसोड के दौरान प्रतियोगी खुद को एलिमिनेशन से बचाने के लिए अपने कुछ सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करते हैं, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि इस शो में कैदियों ने दर्शकों को उनके निजी जीवन के बारे में जानकारी दी है। यह शो उस समय और भी रोमांचक हो गया जब प्रिंस नरूला ने हाल ही में एक परेशानी पैदा करने वाले के रूप में बदमाश जेल में प्रवेश किया और प्रतियोगियों को हर स्थिति में चुनौती दी। लॉकअप की यात्रा वास्तव में दर्शकों के लिए काफी मनोरंजक अनुभव से भरा रहा और पहले कभी ऐसा कोई शो नहीं देखा गया है। जैसे ही शो अपने अंतिम सप्ताह के करीब है, कैदियों के लिए अपनी रणनीतियों को फिर से डिजाइन करने और खेल में अपने गठबंधनों को फिर से बनाने का समय आ गया है। हाल के एक एपिसोड में दर्शकों ने टिकट टू फिनाले टास्क देखा, जहां शिवम शर्मा ने अंजलि अरोड़ा को हराकर अपने फाइनलिस्ट बनने का टिकट जीता। इतने कम समय में सफलतापूर्वक 200 प्लस मिलियन व्यू तक पहुंचने के बाद लॉकअप ने अपने निश्चित रूप से एमएक्स प्लेयर और ऑल्ट बालाजी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ और इससे एमएक्स प्लेयर के साथ साथ ऑल्ट बालाजी को भी लाभ हुआ। जैसे जैसे शो फिनाले की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे निर्माताओं द्वारा और भी ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलने बाकी है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।